जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के खरमोरा क्षेत्र में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो दो वाहने हैं, एक यह है अभी रेत से भरी थी, अभी अनलोड हो गई है और इस वाहन में पूरी तरह से जो है रेत जो है भरा हुआ है। क्या नाम है आपका? गोलू। गोलू 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 किसकी गाड़ी है? ये रंजू यादव। कहाँ रहते हैं? सीतामढ़ी। तो रेत कहाँ से लेके आ रहे हैं? रेत बरबसपुर। अच्छा, तो बरबसपुर में आपके पास रॉयल्टी वगैरह क्यों नहीं है अभी? रॉयल्टी और सेट रखा है। हाँ, सेट रखा है। अच्छा, गाड़ी आप चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं रॉयल्टी आपको रखने के लिए है, क्योंकि जहाँ से आप रेत लेकर आ रहे हैं रॉयल्टी आपको वहीं मिलना चाहिए। तो आप बोल रहे हैं सेट रखा है, तो आप या तो झूठ बोल रहे हैं या खनिज विभाग को मुझे बुलाना पड़ेगा, सही बताएंगे आप। हाँ, तो ये बोलिए कि आपको पता ही नहीं है, रॉयल्टी आपको आपने लिया ही नहीं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं से अवैध है, रेत की चोरी है, ठीक है? कितने में बेचने आए हैं? नहीं पता। यहाँ बेचने आए हैं मगर रेत नहीं मालूम है वो कितना बेचा जाएगा? नहीं पता है ना। कितना ट्रिप यहाँ गाड़ी गिराए हैं? नहीं, पहला है। अच्छा, सुबह से शाम हो गई, पहला ट्रिप मारे हैं। अच्छा, दिन भर क्या किए हैं? दिन भर घर में थे। अच्छा, लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस वो भी रंजू जी रखे हैं? लाइसेंस दिवाया लाइट। अच्छा, बना ही नहीं है और रंजू जी आपको सड़कों पर छोड़ दिए कि भैया गाड़ी चलाइए आप, है ना? भेजे हैं तभी तो चला रहे हैं ना। गाड़ी में नंबर प्लेट क्यों नहीं है? नंबर लिखवाए नहीं। अच्छा, रंजू जी गाड़ी का नंबर भी नहीं लिखवाए हैं। अच्छा, तो रंजू यादव जी की गाड़ियाँ कितनी हैं? बस दो ही। यही दोनों जो गाड़ियाँ हैं वही हैं? अच्छा, और रेत पे ही चलती हैं अधिकतर? तो ये थे, क्या नाम बताया आपने? गोलू। गोलू जी, एक आपसे निवेदन है, आप जल्दी लाइसेंस बनवा लीजिए। यातायात विभाग से भी हमारा अनुरोध है कि इस तरह से अवैध तरीके से गलत तरीके से चलने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें, और खासकर वाहन स्वामियों के विरुद्ध जो कि इन्हें बिना लाइसेंस के ही सड़कों पर दौड़ा देते हैं। इन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है। सड़कों पर जब आप निकलते हैं बिना लाइसेंस के तो आपको जानकारी नहीं होती कि किस तरह से आपको ब्रेक लेनी है, कब आपको जो है कितनी स्पीड में गियर बदलने हैं, संकेतक का मतलब क्या है। यू टर्न में अगर आपको संकेतक सड़क पे मिल जाता है तो आप कैसे मुड़ेंगे, गति को कैसे जो है गति और उधर आएगा तो पहले से ही स्पीड कम करेंगे, तमाम जानकारियां आपको लाइसेंस से पहले दी जाती हैं। हेवी लाइसेंस, छोटा मोटा भी नहीं है, हेवी वाहन है ना ये? हेवी है कि नहीं? तो लाइसेंस हेवी चाहिए, तो हेवी आप लाइसेंस बनवाइए ताकि आप सीख पाएंगे और मजबूती से आप गाड़ी चला पाएंगे। सुरक्षार्थ, आपकी सुरक्षा की भी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? क्या नाम बताए थे आप? गोलू। गोलू जी से हमने निवेदन किया है और वाहन स्वामी जो रंजू यादव है ना, रंजू यादव हैं और उनके द्वारा लगातार यहाँ पर रेत से भरी ट्रैक्टरों की जो है परिवहन की जा रही है, और आप देख पा रहे हैं हमने दिखा दिया है कि इनके पास किसी प्रकार की रॉयल्टी पर्ची नदारद है, साथ ही गाड़ी में नंबर प्लेट्स भी नदारद हैं, और साथ ही सबसे बड़ी लापरवाही कि वाहन चालकों के पास में लाइसेंस तक नहीं होते। तो खनिज विभाग से भी हमारा अनुरोध है कि वे क्षेत्र में चौकसी बरतें, यातायात विभाग से भी हमारा खास अनुरोध है कि वे सड़कों पर स्पीड रडार गन के साथ मौजूद रहें। जहां पर हम आप अल्कोहल मीटर के साथ मौजूद होते हैं, स्पीड रडार गन के साथ रहिए, तेज गति से जो भी वाहन चलाते हैं और बिना लाइसेंस के जो होते हैं उन पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है, और साथ ही एक जागरूकता लाने की आवश्यकता है ताकि इस तरह से चालक जानकारी के अभाव में भी कई ऐसे चालक हैं जो बस गाड़ी चलाना जान गए हैं और चल जाते हैं सड़कों पर, तो ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से वाहन चालकों के विरुद्ध उन पर कार्रवाई की जाती है जो अपने बच्चों को, नाबालिग बच्चों को वाहन दे देते हैं, तब पुलिस उस पर कार्रवाई करती है, किन पर? उन मासूम बच्चों पर नहीं, वरन उनके मालिक, उनके स्वामियों पर, उनके पेरेंट्स पर। तो जिस प्रकार वैसे की जाती है उसी प्रकार इन वाहन चालकों के विरुद्ध तो कार्रवाई करने की आवश्यकता है ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कार्रवाई करने की आवश्यकता है वाहन स्वामियों पर। क्यों भाई, ये बात सही है कि नहीं है? आप इस बात से सहमत हैं आप? यस सर। वाहन स्वामियों के विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए सर। सड़क दुर्घटनाएं हो रही कि नहीं? बिल्कुल सर। ये बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, आज आपको कुचल के चल जाएंगे, है कि नहीं? जी सर। है जी। इसलिए लाइसेंस होना चाहिए, और अगर ऐसे नहीं चलेंगे तो इनका एकदम चलानी कार्रवाई से भी ज्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कड़क कार्रवाई होना, कड़क कार्रवाई। देखिए कड़क, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राकेश। राकेश जी कहाँ रहते हैं? बस यहीं रहता हूँ सर। देखिए आप इस ये जगह का नाम बता दीजिए। ये खरमोरा बजरंग चौक के लास्ट नजदीक हर साइड है। जी जी जी, क्या नाम बताया? राकेश। तो ये थे राकेश जी। कितने तक पढ़े राकेश जी? ज्यादा नहीं पढ़े सर, अपना 5 क्लास तक। देखिए 5 क्लास तक पढ़ने वाला व्यक्ति भी इतना उसको समझ है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और आप इसकी ट्रेनिंग पाते हैं, क्यों नहीं सख्त कार्रवाई करते हैं?
आपको यह पता है कि इन पे क्या चालानी धारा क्या धाराएं लगेंगी, क्या चालानी कार्रवाई कर सकते हैं और कैसे आप सुधार करेंगे जब तक इन पर चालानी कार्रवाई और सख्त कदम नहीं उठाएंगे। तो इस तरह से अवैध गतिविधियों में संलिप्त वाहन स्वामियों के हौसले इसी कदर बुलंद होते रहेंगे और सड़कों पर इस तरह के लोग कुचलाते रहेंगे। यस सर। है दुर्घटनाएं हो रही है ना, होती है। अंकुश लगाने के लिए हमको लाइसेंस की जरूरत पड़नी चाहिए ना। यस सर। तो कहीं ना कहीं सर है ना। जी सर। तो यातायात विभाग से हमारा खास अनुरोध है कि इस तरह से जो है अपने क्षेत्रों में चौक चौराहों पर चौकसी बरतें, और खनिज विभाग से भी अनुरोध है कि बिना रॉयल्टी के इस तरह से रेत जो चला रहे ट्रैक्टर स्वामी हैं उन पर कार्रवाई करें। यस। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय जय हिंद। जय हिंद।